Hello everyone, this is your Preeti ma'am, and today we are going to discuss chapter 14 from class 6 that is, water. So, if you have missed the explanation of other chapters, link of the playlist of class 6 is given in the description box below. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for assignment and hard questions given in your textbook also if you are new to my channel do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest update now without further ado let's start with today's class as we already know that water is very much vital fluid for the regulation of life processes such as digestion फूड ट्रांसपोर्टेशन एंड न्यूट्रिय एक्सक्रीशंस ऑफ बॉडी वेस्ट सो वाटर जो है वो हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि डायजेशन हो गया या फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया किसी न्यूट्रियन का या एक्सक्रीशन हो गया हमारे बॉडी से किसी वेस्ट का तो इन सब काम में वाटर बहुत ज़्यादा एसेंशियल है मीन्स हर ऑर्गेनिज़म लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के लाइफ में वाटर प्लेज अ वाइटल रोल ठीक है नाउ देर बिकॉज ऑफ आवर हाई रिक्वायरमेंट्स हमारे जो हाई रिक्वायरमेंट्स है वाटर के लिए और वाटर जो है वो सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे करने की वजह से जो वाटर टेबल है वो आजकल बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग रेट में फॉल डाउन करता है वाटर टेबल क्या होता है वाटर टेबल इज़ द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर ठीक है वाटर टेबल इज़ द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर सो

इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है फर्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन एंड एनिमल्स के लिए वाटर कैसे इम्पोर्टेंट हैं ठीक है तो वाटर रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर बाई प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग एंड एवोपरेशन देन वाटर इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स ह्यूम डिजॉल्व मिनरल्स गैसेज एंड मैनी प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन एंड कैरीज दैम एट अ प्लेस ऑफ नीड इन द बॉडी तो वाटर क्या करता है ह्यूमन बींग्स में ये जो लिविंग एनिमल्स हैं जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं उनमें जो टेम्परेचर कंट्रोल का काम है या रेगुलेशन का काम है वो करता है वाटर कैसे बाय प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग एंड एवपरेशन नाउ वाटर जो कि हमारे बॉडीज़ के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं जो मिनरल्स या गैस है जो, जो भी प्रोडक्ट्स रिलीज़ हो रहे हैं डाइजेशन के प्रोसेस के टाइम पे उन सब को कैरी आउट करेंगे और जहाँ पे जब ज़रूरी है वहाँ पे उसको पहुँचा देंगे ठीक है ना वाटर प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन इन साइड अवर तो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में उनके लिए एक मीडियम चाहिए होता है तो वो मीडियम वाटर प्रोवाइड करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ना वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स ग्रोथ ऑफ प्लांट इन फोटोसिंथेसिस एंड इन फोटोसिंथेसिस तो वाटर और कहाँ पर है यूजफुल दैट इज़ फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स सीड्स के ग्रो होने के लिए प्लांट्स के ग्रोथ के लिए उनकी फोटोसिंथिस के प्रोसेस में इन सब में वाटर का एक वाइटल रोल है ठीक है और भी बहुत सारे यूजेज़ हैं जैसे कि मोस्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ रिक्वायर वाटर इंडस्ट्रीज़ में जो काम होते हैं जैसे कि पेपर इंडस्ट्री हो गया पेपर मेकिंग इंडस्ट्री या फिर रेन पेट्रोलियम रिफाइनिंग ये सब जितने भी डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं मोस्ट केसेस में वाटर इज बीइंग यूज्ड ऑल्सो मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन वाटर तो वाटर क्या है एज अ हैबिटेट भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है मीन्स वो प्लांट्स एंड एनिमल्स की रहने की जगह है ठीक है सो इट वर्कस एज एन हैबिटेट फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सो दीज आर द टू अदर यूज दैट आई हैव मैंशन इन योर टेक्सट बुक यू विल गेट फ्यू मोर क्लियर नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अकरेंस ऑफ वाटर ठीक है इन विच फॉर्म एंड हाउ दे आर अकरिंग इन नेचर ठीक है सो इन नेचर वाटर अकर्स इन बोथ इन फ्री एज वेल एज इन कम्बाइंड फॉर्म ठीक है फ्री स्टेट में भी वो अकर कर सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में भी वो अकर होते हैं सो फ्री स्टेट में दे एग्जिस्ट इन अ फॉर्म ऑफ आइस स्नो वाटर एंड वाटर वेपर ठीक है तो आइस या फिर स्नो के फॉर्म में जो कि एक सॉलिड का फॉर्म होगा देन वाटर जो कि लिक्विड का फॉर्म होगा एंड वेपर के हिसाब से दैट इज द गेसियस फॉर्म ऑफ वाटर के हिसाब से नेचर में वो एग्जिस्ट कर सकते हैं सो so, पहले देखते हैं सॉलिड फॉर्म में क्या है वाटर इन सॉलिड फॉर्म अकर्स एज आइस एंड स्नो तो जो आइस एंड स्नो का हमने अकरेंस पढ़ा था दैट इज नथिंग बट द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर ठीक है जो कि हमें माउंटेन के पीक्स पे देखने को मिलता है देन लिक्विड फॉर्म में इट कैन अकर इन ओशन सीज रिवर्स लेक्स एंड पॉइंट्स एंड फाइनली गैशियस फॉर्म में वाटर एग्जिस्ट एज वाटर वेपर और स्टीम ठीक है अब इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एनिमल एंड प्लांट्स टिश्यू कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो एनिमल्स एंड प्लांट्स के टिश्यूज़ होते हैं उनमें बहुत सारा अमाउंट वाटर होता है तो उनका जो सेवेंटी फाइव परसेंट जो बॉडी मास होता है किसी एनिमल का इट इज़ बिकॉज ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन देयर तो सेवेंटी फाइव परसेंट वेट तो उनका वाटर की वजह से ही आता है जो कि उनके टिश्यूज में रहता है तो हम यहाँ से आइडिया कर सकते हैं कि कितना ज्यादा अमाउंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वाटर का रहता है ओके नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेयर डू वी गेट वॉटर फ्रॉम तो ये तो हो गया अकरेंस ठीक है अब हम बात करते हैं कि कहाँ से वो सोर्सेस क्या है वाटर के ठीक है तो सोर्सेज ऑफ वाटर इन नेचर फर्स्ट क्या है ओशन एंड सीज़ अब देखिए अर्थ का जो सरफेस है टू थर्ड ऑफ दैट सरफेस इज एक्चुअली कवर्ड बाय ओशन एंड सीज ठीक है बट ओशन एंड सी वाटर में क्या होता है देर इज अ वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट दैट इज डिजोल्व इन इट उसमें सॉल्ट डिजोल्व होता है जिसकी वजह से हम उसको सेलाइन वाटर कहते हैं अब ये बिकॉज इसमें अंदर सॉल्ट डिजोल्व होता है इसीलिए इस वाटर को हम डायरेक्टली अपने ड्रिंकिंग वॉशिंग क्लोथिंग क्लोथ्स या फिर इरीगेशन ऐसे कामों में डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते दैट इज नॉट फिट फॉर दिस वर्क सो वॉट वी हैव टू डू इज

अब जो नेक्स्ट सोर्स है हमारा दैट इज रेन एंड स्नो तो रेन को क्या कंसिडर किया जाता है रेन वाटर को कंसिडर किया जाता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर और जो मेजर पोर्शन है वाटर का ऑन द अर्थ इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस और स्नो तो मेजर जो हमारा वाटर प्रेजेंट है दैट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्नो जो कि ग्लेशियर्स हम कह सकते हैं एंड पोलर आइस कैप्स में होते हैं ठीक है एंड जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर माना जाता है दैट इज ऑल अबाउट रेन ठीक है नेक्स्ट सोर्स ऑफ वाटर इन नेचर है रिवर लेक्स एंड पॉन्ड्स इन सोर्सेज को कहा जाता है सरफेस वाटर सोर्सेज ठीक है रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड्स को कहा जाता है सरफेस वाटर सोर्सेज अब रिवर्स जैसे कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा इन सब में वाटर जो है वो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करता है मैनी रिवर्स देर आर मैनी रिवर्स कुछ ऐसे रिवर्स भी होते हैं जो कि रेनी सीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लो होता है उनमें और जब वो समर या विंटर होता है और जब समर सीज़न होते हैं तो वहाँ का जो वाटर फ्लो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है ठीक है सो ड्यूरिंग रेनी सीजन वेन द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर इज़ लार्ज इट कॉजेज फ्लड्स

वाटर के साथ मिक्सअप हो जाने से रोकने के लिए क्या किया जाता है डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं ठीक है नाउ द वाटर कलेक्टेड इन डैम इज़ यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर इरीगेशन थ्रू कैनल्स अब ये जो वाटर हमने डैम्स में स्टोर किए उनको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है और इरीगेशन के काम में यूज़ किया जाता है थ्रू कैनल्स दस वी कैन हैव अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्राम द वॉटर कलेक्टेड इन दैम डैम्स तो इससे क्या होता है हमारे पास एक रेगुलर सप्लाई बना रहता है वाटर का क्योंकि हमने जब रेनी सीजन था जब फ्लो बहुत ज़्यादा था तो उसका जो एक्स्ट्रा वाटर था ज़्यादा पानी था हमने उसको डैम में स्टोर कर लिया तो इसीलिए जब वाटर फ्लो कम भी होता है तो हमारे पास वो स्टोर्ड वाटर रहता है फॉर रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ठीक है नाउ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अ डैम इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर तो जो इलेक्ट्रिसिटी पानी के बहाव से जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी दैट इज प्रोड्यूस्ड ंग फ्लो ऑफ वाटर इस टर्म एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है क्लियर नाउ नेक्स्ट सोर्स ऑफ वाटर इन नेचर इज वेल्स एंड स्प्रिंग्स तो वेल्स एंड स्प्रिंग्स क्या है वो अंडरग्राउंड सोर्सेस है हमारे वाटर के तो वाटर फ्राम अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वियर कैन आल्सो बी टेकन आउट फॉर यूज़ विद द हेल्प ऑफ वाटर पंप्स। तो क्या होता है कि वाटर जो है जो अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वर्स हैं वहाँ से हम निकाल सकते हैं अपने यूज़ के लिए किसकी हेल्प लेके वाटर पंप्स की हेल्प लेके। डीप अंडरग्राउंड वाटर इज़ जनरली सेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड कूंग तो जो डीपली सिचुएटेड अंडरग्राउंड वाटर होंगे ज़मीन के बहुत नीचे होंगे वो उतना ही प्योर होगा तो जितना प्योर होगा हम उसको अपने ड्रिंकिंग और दूसरे काम में कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं ना ऑल नेचुरल वाटर कंटेंस वेरिंग अमाउंट ऑफ मेनी इम्प्योरिटी एंड जम्स अब ये जितने भी हमने सोर्स ऑफ वाटर पढ़े जहाँ से भी हमें वो वाटर मिल रहा है उन सब में एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ और जर्म्स प्रेजेंट होंगे इसीलिए वाटर ऑप्टेन फ्रॉम दीज सोर्सेज इज़ नॉट ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग इसीलिए इन सब सोर्स से जब हम वाटर को लेते हैं तो वो डायरेक्टली ड्रिंकिंग uh, या कुकिंग के पर्पस में यूज़ नहीं होते हालांकि हम उसको यूज़ तो कर सकते हैं लेकिन इसमें इम्प्योरिटीज़ और जर्म्स प्रेजेंट है जो कि हम अपने नेकेड आइज से शायद नहीं देख पा रहे हैं ठीक है सो दैट इज़ वाई वी हैव टू फर्स्ट रिमूव दोज अनसिन जॉर्म्स एंड देन वी हैव टू यूज इट फॉर ड्रिंकिंग अंडरस्टूड सो टी है वो नेचर में किस किन फॉर्म्स में अकर होते हैं देन वाटर के क्या क्या सोर्सेस है जहां से हमें वॉटर मिलता है नेचर से ठीक है एंड देन फाइनली वट वी आर गोइंग टू स्टडी टूडेज वीडियो इज अबाउट सर्कुलेशन ऑफ वॉटर इन नेचर कि वो जो वाटर हमें मिलता है वो पूरे नेचर में कैसे सर्कुलेट होता है तो बेसिकली जो सर्कुलेशन होता है नेचर में वाटर का कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल बट वाटर साइकिल को पढ़ने से पहले हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे वाटर जो है वो अर्थ को लीव करता है एंड देन वो वाटर जो है वो अर्थ पे दोबारा रिटर्न कैसे आता है ठीक है वाटर साइकिल का प्रोसेस हम ऑब्वियसली पढ़ेंगे उसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है वो हम पढ़ेंगे पर उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा जो प्रोसेस जिस प्रोसेस से वो अर्थ को लीव करता है या जिस प्रोसेस से वो अर्थ पे रिटर्न होता है उन सब प्रोसेस में एक्चुअली क्या क्या इन्वॉल्व है ठीक है सो ऑल्सो वन थिंग दैट यू हैव टू नोट इज वाटर इज कंसिडर्ड एज रेन्यूएबल रिसोर्स ऑन द अर्थ ठीक है रेन्यूएबल रिसोर्स दो विच कैन बी रिप्लेनिश्ड आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम ठीक है तो एज वी आर गेटिंग इट फ्रॉम नेचर सो इट इज़ टर्म्ड एज रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्लियर नाउ फर्स्ट प्रोसेस बाई विच वाटर लीव्स द अर्थ हम पढ़ेंगे पहले उन प्रोसेस के बारे में जिन प्रोसेस से जो वाटर है वो अर्थ को लीव करेगा ठीक है न एवपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज एंड अदर वेड बॉडीज ऑन द अर्थ तो पहला प्रोसेस क्या होगा इसमें दैट इज एवपरेशन ऑफ वाटर कहाँ से डिफरेंट वाटर बॉडीज़ या फिर वेट बॉडीज़ जो भी अर्थ पे प्रेजेंट हैं तो इसके लिए हम दो सिचुएशन कंसिडर करेंगे पहला सिचुएशन ये है कि जब वाटर स्पिल्ड होता है मीन्स वाटर फैला हुआ होता है वाटर स्प्रेड आउट होता है फ्लोर पे तो वो थोड़ी देर बाद सूख जाता है क्लियर एक और सिचुएशन दिया गया है दैट इज वेट क्लोथ्स जो होते हैं जो गीले कपड़े होते हैं वो थोड़ी देर बाद सूख जाते हैं तो इन दो कंडीशंस में जो वाटर था वो गायब कहाँ हो गया राइट दैट इज द क्वेश्चन दैट विल बी अराइज इन दिस सिचुएशन सो द आंसर फॉर दिस इज वॉटर फ्रॉम वेट सरफेस और वेट क्लोथ एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड गेट कन्वर्टेड इन टू वेपर तो क्या होता है जो वाटर होता है वेट सरफेस में जो वाटर प्रेजेंट रहता है या फिर वेट क्लोथ्स में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो क्या करते हैं वो अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड वो लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में चले जाते हैं मीन्स वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में आउट हो जाता है नाव वाटर वेपर एस्केप्स इन टू द एटमोसफेयर इस तरीके से जो वाटर वेपर था वो एटमोसफेयर में चला जाता है ठीक है सिमिलरली वाटर फ्रॉम ओशन सीज रिवर्स पॉन्ड्स एक्सेक्ट्रा एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सनलाइट एंड एवपरेट द एवपरेटेड वाटर मूव्स अप एंड गेट मिक्सड विद द एयर तो इसी तरीके से जो वाटर बॉडीज़ में जो वाटर प्रेजेंट है वाटर बॉडीज के एग्जाम्पल्स क्या हैं ओशन सीज रिवर्स इन सब में जो वाटर प्रेजेंट होंगे वो भी सनलाइट से हीट एब्जॉर्ब करेंगे एंड देख एवरेट हो जाएंगे means वो उनका जो वेपर फॉर्म एटमोस में रिलीज हो जाएगा और वो जाके एयर के साथ नेक्स्ट और किस तरीके से वॉटर लॉस होगा फ्रॉम द अर्थ दैट इज लॉस ऑफ वॉटर बाई रेस्पिरेशन अब जब हम रेस्पायर करते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं ठीक है

लाइक आस ठीक है तो जब वो रेस्पायर करते हैं तो वो भी ऑक्सीजन ही लेते हैं सो ऑल लिविंग बींग्स क्या करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं वैन दे आर रेस्पायरिंग नाउ दिस ऑक्सीजन देन रिएक्ट विद द डाइजेस्टेड फूड प्रोड्यूसिंग एनर्जी कार्बन डाईऑक्साइड एंड वाटर तो अब ये जो ऑक्सीजन हमें मिला ये हमारे सेल्स में जाएगा हमारे सेल्स में जितना भी डाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड है उस डाइजेस्टेड फूड के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ साइड प्रोडक्ट्स और एज अ प्रोडक्ट्स रिलीज करेगा ठीक है नाउ ड्यूरिंग ब्रीदिंग आउट दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर आर गिवन आउट ऑफ द बॉडी द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर एस्केप इन टू द एटमोसफेयर तो जब हम ब्रीद आउट करते हैं जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ऑक्सीजन जाके इतना रिएक्शंस करेंगे हमारे बॉडी में एंड उसके बाद जब हम ब्रीद आउट करेंगे तो हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर को भी ब्रीद आउट करेंगे वाटर को एज अ वेपर फॉर्म में हम ब्रीद आउट करेंगे इसीलिए हमें पता नहीं चलता है कि दैट वी आर आल्सो गिविंग आउट वॉटर बिकॉज वाटर जो है उस टाइम पर गैशेज फॉर्म में रहता है वेपर फॉर्म में रहता है तो ये जब एटमोसफेयर में रिलीज होगा ये जाके दूसरे एयर से जाके मिक्सअप हो जाएगा ठीक है इस तरीके से देर विल बी अ रॉस लॉस ऑफ वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरीशन ऑल्सो नेक्स्ट क्या है लॉस ऑफ वाटर बाई प्लांट्स दैट इज ट्रांसपीरेशन वॉट हैपन्स अ प पार्ट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाई द प्लांट इज रिलीज बाई प्लाट्स थ्रू देअर लीवस इन टू द एयर बाई द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरीशन तो जो जितना वॉटर प्लान्ट एब्सॉर्ब करते हैं उसका एक पार्ट जो होता है वो वो अपने लीवस के थ्रू लॉस कर देते हैं ठीक है नॉ दिस लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपिरीशन ठीक है अब ट्रांसपिरीशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी विंड स्पीड एंड टाइम ऑफ द डे इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करके कितना लॉस ऑफ वॉटर होगा दैट विल आल्सो डिपेंड अंडरस्टूड अब देखिए यहां पे आपको एक डायग्राम दिया गया है दैट एक फिगर दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि कैसे ट्रांसपीरेशन होता है प्लांट्स में ठीक है लेट्स तो फर्स्ट क्या होगा प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे वाटर फ्रॉम द ग्राउंड थ्रू देयर रूट हेयर ठीक है मोर वाटर इज टेकन इन थ्रू द रूट हेयर तो इसीलिए वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर इस रूट हेयर से वाटर को वो एब्जॉर्ब करेंगे ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन कैपिलरी एक्शन क्या होता है कैपिलरी एक्शन एक खिंचाव होता है ऊपर की तरफ दैट इज सक्शन प्रेशर होता है ठीक है तो वो कैपिलरी एक्शन की वजह से जो वाटर होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा थ्रू जाइलम गिजाइलम एक टिश्यू है उसके थ्रू जो वाटर है वो कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर की तरफ जाएगा एंड देन द वाटर इज लॉस्ड बाय द ट्रांसपीरेशन दैट इज वाटर वेपर के फॉर्म में वो स्टोमाटा के थ्रू वाटर लॉस होगा जैसे ही वो स्टोमाटा के थ्रू वाटर लॉस वहाँ से हुआ तो जो वाटर है वो रिप्लेस हो जाएगा बाय इनर सेल्स ठीक है मीन स्टोमा के स्टोमाटा के थ्रू जो वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर रिलीज हुआ वहाँ पे जो खाली जगह बनी वो जो इनर सेल्स थे उन लोगों ने वाटर दे के उसको रिप्लेस कर दिया सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन फर्स्ट दे विल एब्जॉर्ब देन ड्यू टू कैपिलरी एक्शन देयर विल बी अ सक्शन प्रेशर सो द वाटर विल बी पुल्ड अप बाय बाय द जाइलम एंड देन थ्रू द स्टोमाटा वाटर वे वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर विल बी रिलीज विच इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन एंड दैट वाटर इज रिप्लेस्ड बाय द इनर सेल्स

So, the water which had escaped from the earth as vapor returns to the earth in the form of rain, snowfall and hail. So, when get back to earth, pe, wo teen forms mein karte That is rain, snowfall or hail. So, when the small droplets in clouds...

नाव इफ़ द टेम्परेचर फॉल्स अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो फिर जो रेन ड्रॉप्स थे वो फ्रीज़ हो जाएंगे वो जम जाएंगे एंड जिसकी वजह से दे विल कम डाउन एज हिल्स ठीक है नाव इफ द टेम्परेचर फॉल्स फर्दर दीज ड्रॉपलेट्स या फिर ड्रॉप्स गेट फ्रोजन एंड कम्स डाउन एज स्नो और अगर टेम्परेचर और ज़्यादा कम हो गया तो ये रेन ड्रॉप्स अब हेल्स की जगह स्नो का रूप ले लेंगे ठीक है सो इन दीज ऑल फॉर्म वाटर इज बीन गेटिंग बैक ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ क्लियर नाउ बैक टू ओशन ओशन में कैसे मोस्ट वाटर दैट फॉल्स ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन फ्लोज डाउन टू द ओशन जितना भी पानी एज अ रेन अर्थ पे गिरता है वो जाके फिर ओशंस में ही मिक्सअप हो जाता है ठीक है हाउ एवर अ गुड पार्ट ऑफ वाटर परकोलेट्स डाउन इन टू द सोल या फिर थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट मीन्स जितना काफ़ी पार्ट अगर का कह लीजिए हम कहते हैं तो काफी पार्ट जो रेन वाटर का होगा वो ओशन पे मिक्स होने की बजाय वो जाके सॉइल में मीन्स अंडरग्राउंड रिजर्वाइज़ में एडअप हो जाएंगे ठीक है ना दिस वाटर बिकम्स अवेलेबल टू ग्राउंड वाटर वेल वाटर ट्यूबवेल वाटर स्प्रिंग वाटर एक्सेट्रा अब ये जो वाटर जाके सॉयल में सॉयल uh, में एब्जॉर्ब हो गए ये बाद में एज अ ग्राउंड वाटर वेल वाटर स्प्रिंग वाटर के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं ठीक है नाउ स्नो ऑन द माउंटेन मेल्स टू फॉर्म वाटर द वाटर इन द माउंटेंस फॉर्म स्टीम्स एंड फाइनली रिवर्स ओके सो स्नो जो होता है जो माउंटेन्स में होता है वो क्या करते हैं वो मेल्ट करके वाटर का फॉर्म ले लेते हैं और ये वाटर जो है वो बाद में स्टीम्स और रिवर्स में जाके मिक्सअप हो जाते हैं थ्रू देर स्ट्रीम्स नाउ द रिवर आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस फाइनली फॉल्स इन टू लेक सी और ओशन। और रिवर जो है फाइनली बहुत जगह पास करने के बाद वो फाइनली जाके किसी लेक या सी या ओशन में जाके मिक्स हो जाते हैं ठीक है सो दिस इज हाउ द वॉटर बॉडीज आर रिप्लिनिश्ड अगेन विथ वॉटर दैट इज दिस इज हाउ द वाटर रिटर्न ऑन द अर्थ सर्फेस ऑन द अर्थ ऐसे वॉटर आया वो हमने देखा कि रेन स्नोफॉल या हेल के फॉर्म में वो सर्फेस पे आया ना आफ्टर इट इज गेटिंग ऑन द सर्फेस वॉटर बॉडीज तक वो कैसे जाएगा कुछ पोर्शन ऑफ रेन वाटर विल गेट इन टू द ओशंस और कुछ जो है वो अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड में जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो अंडरग्राउंड में जब जाएंगे तो वो ग्राउंड वाटर या फिर वेल वाटर स्प्रिंग वाटर के रूप में एज अ वाटर वहाँ पे स्टोर रहेंगे इन सब के फॉर्म में वहाँ पे स्टोर रहेंगे साथ ही में जो स्नो है वो क्या करेगा वो मेल्ट होके वाटर का फॉर्म लेंगे एंड थ्रू स्ट्रीम्स दे विल कन्वर्ट इन टू रिवर्स अब ये जो रिवर वाटर है वो बहुत सारी जगह पे घूमने के बाद क्या कहूँगा वो जाके लेक्स या ओशन में जाके मिक्सअप हो जाएगा मींस डिफरेंट वाटर बॉडीज में ये सारा जो भी वाटर है हमारा जो कि ऑस हो गया था जो कि लीव कर गया था अच्छ से वो दोबारा से वापस आ जाएगा अंडरस्टूड सो ये जो मैंने स्टेप्स बताए दीज आर एक्चुअली द बेसिस फॉर वाटर साइकिल इन द नेचर ये सब जो है वो वाटर साइकिल का बेसिक है ठीक है अबाउट विच वी आर गोइंग टू रीड और वी अबाउट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन अवर नेक्स्ट वीडियो जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बनेंगे सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू